अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ काहिरा एयरपोर्ट पे, काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इजिप्ट में, और मैं जा रहा हूँ ओमान। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा व्यू है इस एयरपोर्ट का। आप यहाँ से काहिरा सिटी को देख सकते हैं, कार पार्किंग है इधर देखें। अभी मैं इस पर डिटेल में आपको बताता हूँ कि मैं कैसे काहिरा से जॉर्डन अमान जा रहा हूँ। मैं अभी सिक्योरिटी चेक इन करवा के, बोर्डिंग पास वगैरह करवा के अंदर आ चुका हूँ। अभी हमारा जो जहाज़ है इसका दरवाज़ा ओपन कर दिया गया है, अभी हम फ्लाइट में बैठ के जाने लगे हैं जॉर्डन। तो यहाँ पे कुछ भी सख्ती नहीं थी, उन्होंने बस अमान से जो रिटर्न टिकट रहा है रियाज के लिए वो चेक की है, यानी उसका डाटा इंटर किया है और कुछ नहीं पूछा, और बहुत आसानी से और स्मूथ काम रहा है। अभी हम फ्लाइट में बैठ रहे हैं अमान चल के, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, फिर आपको दिखाते हैं अमान एयरपोर्ट कैसा है। अभी मेरी बोर्डिंग के बाद हम जहाज पे बैठ चुके हैं। ये मेरी बोर्डिंग पास का था, बहुत स्मूथ रहा है यहाँ पर काम। आपको जॉर्डन का ई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजिप्ट से ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं अमान जॉर्डन का। तो मैंने जिस एयरलाइन का इंतखाब किया ये थी इजिप्ट एयर काहिरा से, तो आप इसका जॉर्डन का ई वीज़ा भी पहले ले सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जॉर्डन, अभी हमारा जो जहाज़ है ये लैंडिंग कर रहा है क्वीन एलिया एयरपोर्ट अमान में। मैं अभी जॉर्डन एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, क्वीन एलिया एयरपोर्ट है अमान में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बस, एयरपोर्ट बस है ये। 3.3 जॉर्डन जो है, जॉर्डन दिनार जो है उसकी ये टिकट मिलती है। मौसम यहाँ पे आज बहुत ठंडा है, टेम्परेचर इस टाइम 17 है, और ये एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे थोड़ा सा रोका, मेरा पासपोर्ट चेक किया, फिर मुझसे पूछे आपका पर्पज़ क्या है। फिर एक दो मिनट बाद मुझे पासपोर्ट दे, कहते हैं जाएँ वेलकम टू जॉर्डन। तो आप जब भी आएँ आपने अंदर से ही डॉलर चेंज करवाना है, यहाँ पे इजिप्ट वाला सीन नहीं है, यहाँ पे डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी। तो ये बस वाले भाई ने मुझे भेजा अंदर दोबारा, कहते हैं अंदर से डॉलर चेंज करवा के लाएँ, फिर मैं जॉर्डन डॉलर जॉर्डन जो भी है करेंसी की डॉलर से जॉर्डन करेंसी में चेंज करवाया, फिर लाग मैंने भाई को पैसे दिए हैं और फिर मैंने अपना टिकट लिया। ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट के बिल्कुल सामने ये एयरपोर्ट बस है, और इधर एक एयरपोर्ट टैक्सी भी है। आपने एयरपोर्ट बस लेनी है, 3.3 जॉर्डन दिनार में ही आपको टिकट मिलेगी। तो मेरे पीछे ये बस खड़ी है, ये वाली येलो, ये लेके जाएगी हमें तकरीबन 40 से 45 मिनट में। तो चले मैं आपको एक दफ़ा घुमा के बाहर से एयरपोर्ट दिखाता हूँ। मुझे एयरपोर्ट बहुत पसंद आया, मेरे एक दोस्त हैं इंजीनियर यहिया, उनका तल्लक लेबनान से है, और उन्होंने मुझे बोला था कि ये एयरपोर्ट देखने के काबिल है, आपने लाजमी से विज़िट करना है। अभी मैं कहीं सेंटर में खड़े होकर इसकी वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये एयरपोर्ट। मुझे उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, आज तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया सबसे अच्छा जब मुझे एयरपोर्ट लगा था वो लगा था अज़रबैजान का बाकू में। तो एयरपोर्ट तो ये भी अच्छा है, अभी मैंने खुद नहीं देखा। अब मेरे पीछे फाउंटेन्स देख सकते हैं, तो एक्सटीरियर तो बहुत अच्छा है इसका, माशाल्लाह। एयरपोर्ट तो प्यारा है, इंटीरियर बहुत प्यारा था। ये एयरपोर्ट का एक्सटीरियर है,
काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पे लोग तंग नहीं करते। मैंने एक चीज़ नोट की है, इजिप्ट वाला हिसाब नहीं है, लोग बहुत तंग करते थे कायरो में, टैक्सी वाले भी दूसरे भी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और मौसम भी ऐसा है जैसे किसी यूरोपियन कंट्री का मौसम होता है ना, माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छा एयरपोर्ट है, मेरे दोस्त इंजीनियर ने बिल्कुल ठीक कहा था। चले अभी चलते हैं, बस में बैठते हैं। अभी मैं बस में बैठ के आ चुका हूँ, अभी हम जा रहे हैं सिटी अमान की तरफ। आप अमान के रोड देख सकते हैं, रोड बहुत साफ है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इजिप्ट से बहुत अच्छा है, इनका लाइफस्टाइल भी मुझे इजिप्ट से बहुत अच्छा लग रहा है। रोड बहुत क्लीन है, गाड़ियाँ अच्छी हैं, ब्रिजेस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कायरो के नस्बत। मैं अभी बस पे बैठा था और आ चुका हूँ अमान में, मेन सिटी में। ये नॉर्थ बस टर्मिनल है, जब आप एयरपोर्ट से आएंगे तो बस पे बैठ के वो आपको यहाँ पे ही उतारेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पहुँच के टैक्सी ले लेनी है, जहाँ पे आपका होटल होगा वहाँ आप जा सकते हैं आराम से। तो बहुत अच्छा सफ़र था बस का, रस्ते में एक दो स्टॉप ही किया शायद वो सवारी ही उतारने के लिए। तो आप बस का इंतखाब करें जब भी आप आएँगे अमान, आप एयरपोर्ट पर उतरें, वहाँ से इसी बस पे बैठ के अमान सिटी के अंदर आएँ। अभी मैं चल रहा हूँ होटल की तरफ, फिर आपको होटल दिखाते हैं। हॉस्टल हाँ, शुक्र तरमीम वाले हैं। हेलो फी जिसे कती रंदक सा जी, बुकरा शूफ बात बुकरा जी। ये रोमन थिएटर है, अभी हम इसको विजिट करेंगे थोड़ी देर बाद। जी अभी मैं होटल में आ चुका हूँ, मैं आपको रूम का टूर करवाता हूँ। सबसे अच्छी जो चीज़ लगी, जब मैं रूम में आया तो बड़ी अच्छी स्मेल थी, यानी कि उन्होंने रूम को बड़े अच्छे से पहले ही साफ करके। और ये रूम है, मेरा सिंगल बेड था, उन्होंने कहा कि वो अभी अवेलेबल नहीं है तो आप इसी से काम चलाएं। ये रूम है, इस साइड पे आप ऑफिस बना हुआ छोटा सा, ये फ्रिज है और ये ड्रेस कैबिनेट है। और ये वाशरूम है, वाशरूम भी बहुत बड़ा है और क्लीन वाशरूम है। अभी मैं होटल में पहुंच चुका हूं, मैं अभी बाहर निकलता हूं, आपको रिसेप्शन भी दिखाता हूं और आपको होटल का बाहर का व्यू भी दिखाता हूं। ये जो रोमन थिएटर है उसके बिल्कुल सामने ये होटल है। अभी जब मैं ये बस टर्मिनल से होटल पे आया तो उसने मुझसे 10 जेडी लिए हैं, तो मैंने जब अभी रिसेप्शन पर बताया तो वो तो परेशान हो गया था, ये तो बहुत सारे पैसे नहीं हैं, ये 2 से 3 जेडी में उसको आपको यहाँ लेके आना चाहिए था ना, यानी 2 से 3 जॉर्डन दिनार में आपको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए था। उसने आपसे 10 जॉर्डन दिनार लिए, बहुत ज़्यादा है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, आप जब बस टर्मिनल पर उतरेंगे ना, बस टर्मिनल के ऊपर, तो आपने वहाँ से बस नहीं लेनी, टैक्सी नहीं लेनी। आप थोड़ा सा बाहर निकले, मेन रोड है, मेन रोड से आपने टैक्सी लेनी है। जो स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं टैक्सी वाले, वो आपको पता है कि उन्होंने बस आपको फंसा लेना होता है। तो अभी चलते हैं, मैं आपको बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ और रिसेप्शन दिखाता हूँ।
ये रोमन थिएटर है, मैं अभी आपको इसको करीब जाके भी दिखाऊंगा। और इसके अपोजिट साइड पे ये है होटल कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड होटल है। अभी इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, अमान हार्ट होटल। तो ये रिसेप्शन है होटल की। आप जब रिसेप्शन से यहाँ आएंगे, यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, ये किचन है, सो आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री मिलेगा इसके साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम खेलने के लिए एक प्ले स्टेशन भी लगी हुई है। और ये देखें कितना, यहाँ पे आप शीशा भी पी सकते हैं, बैठ के इंजॉय कर सकते हैं कॉफ़ी वगैरह भी। और यहाँ से आप बाहर का व्यू देखें तो सामने नज़र आएगा आपको रोमन थिएटर। ये अमान का एक फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। अभी मैं बाहर गया हुआ था, मैंने करेंसी चेंज करवाई है और अभी मैं यहाँ पे होटल में आके बैठा हूँ। इनकी करेंसी बहुत हैवी है, 100 रियाल के मुझे 70.8 जॉर्डन दिनार मिले हैं। यहाँ पे चीज़ें भी कुछ महंगी हैं, मैंने देखा है, नोट किया है। और आप यहाँ पे टैक्सी उबर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उबर चलती है। मुझे नहीं था पता, इसलिए मुझे ज़रा उसने दाल गाली है टैक्सी वाले ने, उसने मुझसे 10 जॉर्डन दिनार लिए हैं। हालांकि होटल वाला बोल रहा है कि यहाँ अमान शुमाल नॉर्थ से अगर एयरपोर्ट पे आप टैक्सी ले जाते हैं तो वो 15 दिनार लेते हैं। तो आपने तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर का सफ़र किया है, तो आपने तो तकरीबन 3 दिनार बनते थे, आपसे वो 10 ले गए। तो आप ही नेक्स्ट टाइम केयर कीजिएगा। मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस आप दोस्तों से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें वीडियो से, ताकि आपके साथ नेक्स्ट ऐसा नहीं हो। तो इस वीडियो का अहतमाम करते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।